सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ पूजा एंड वेलकम टू माय हैप्पी गार्डन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, गार्डनिंग भी कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ जो होने वाला है हार्वेस्टिंग का वीडियो। बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से मैंने अपने गार्डन में जो वेजिटेबल्स लगाई हैं आज उनकी हार्वेस्टिंग करने वाले हैं। एंड आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा ये वीडियो। और छोटी सी रिक्वेस्ट भी कर दूंगी कि अगर आप चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मैं गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोस लाती रहती हूँ, और अगर आपको वीडियो कहीं पे भी पसंद आए, छोटा थोड़ा सा भी यूज़फुल लगे, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बिल्कुल फ्री का लाइक है, लेकिन अप्रिशिएट करता है मुझे और अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए। तो छोटी सी रिक्वेस्ट एक और है कि फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ पे काफ़ी सारी मेहनत करती हूँ और काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं गार्डनिंग करने में, स्पेशली कंटेनर गार्डनिंग करने में, और उसके बाद वीडियो बनाना, देखो धूप इतनी है, इस मतलब इतनी कड़कती धूप में मैं आप लोगों के लिए कई बार वीडियो शूट कर रही होती हूँ, और जैसे कि गर्मी भी बढ़ गई है, मुश्किलें भी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुश्किलें ही हैं। हाँ, अच्छा भी लगता है, एक पैशन है, उसको फॉलो करती हूँ मैं और आप लोगों के लिए वीडियो लेके आती हूँ। और अगर आपको लगता है कि आप अप्रिशिएट करते हैं थोड़ा सा, अगर आपको कहीं पे अच्छा लगता है, तो प्लीज़ एड्स अगर वीडियो पे आती है तो आप उसको स्किप मत कीजिएगा। अगर कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो प्लीज़ उसको स्किप मत करें, क्योंकि उससे थोड़ा बहुत जो कॉन्ट्रीब्यूशन अगर मुझे मिलेगा तो मैं उसको डेफिनेटली यहीं पर यूज़ करने वाली हूँ। और इतना भी कुछ नहीं मिलता है यूट्यूब से कि बहुत ज़्यादा मतलब हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कुछ मिलता हो, बट छोटा सा अगर 10-15 सेकंड का अगर आप दे सकते हैं उसके लिए, तो मैं आपकी सच में क्या कहते हैं आभारी रहूँगी। तो अगर आप ये छोटा सा कंट्रीब्यूशन दे पाएँ तो मुझे काफ़ी खुशी होगी। और चलिए फिर आज वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वो आप देख पाओगे मेरी प्लेट है, वहाँ पे मैं वहीं रहने दूंगी, और जहाँ जहाँ हमको वेजिटेबल्स हार्वेस्ट करनी है तो हम वहाँ चलेंगे और वहाँ से हार्वेस्ट करके लाएंगे। तो चलिए यहाँ से हम चलते हैं सबसे पहले। तो आज हम सबसे पहले ना अपनी ये बीन्स हार्वेस्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप देखोगे ये लंबी वाली बीन्स हैं, तो ये फ़िलहाल तो दो ही बीन्स लगी हैं, ये समर की वेजीज़ हैं, और यहाँ पे आप देखोगे ये अब सूखने भी लगी हैं जल्दी से, क्योंकि ये गर्मी आ रही है ना, बढ़ रही है, तो धीरे धीरे ये फ्लावरिंग तो होगी इन पर, लेकिन फ्रूटिंग कम हो जाएगी। तो ये देखो यहाँ से हमने अभी हार्वेस्ट की है और भी फ्लावरिंग इस पर हो रही है, तो भी और भी हमें इसमें आगे देखने को मिलेंगी, बट फिलहाल ये स्टार्टिंग है तो अभी तो हमें दो ही मिली हैं। तो इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं। उसके बाद हम चलते हैं, मुझे मिंट भी हार्वेस्ट करना है, वहाँ पे लगा है काफ़ी बड़ा सारा मिंट, ये देखो। और ये फूल देखो, ये काफ़ी अच्छा है, ये वैरायटी अच्छी है, ये ऑफ वाइट है, मैंने आपको कल भी दिखाया था ना, तो अच्छा लग रहा है। ये दूसरा जो मैंने दिखाया था वो उतना खिलने में उतना बड़ा नहीं है, और इसको हम लास्ट में हार्वेस्ट करेंगे, क्योंकि ये फिर धूप से ना सूख जाता है, तो इसलिए। और यहाँ पे हम करने वाले हैं बैंगन को हार्वेस्ट, ये आप देख पाओगे, शायद आपको दिख रहा होगा, ये देखो ये नीचे लगा हुआ है, इसको हम सीजर से हार्वेस्ट कर लेते हैं, नहीं तो क्या होता है कि कई बार ना वो क्या बोलते हैं उसको, कई बार हम ऐसे तोड़ने के चक्कर में ना हमारा ये डैमेज हो जाता है पौधा, तो इसलिए आप सीजर का प्रयोग कर सकते हैं एक्चुअली, और एक हाथ से काटना भी मुश्किल होता है। और मैं चाह रही थी कि ये इसके पॉट में ही गिरे, मतलब यहीं गिरे, और ये इधर उधर गिरता तो फिर मुझे थोड़ा और मेहनत करनी पड़ती इसको उठाने के लिए, तो इसलिए मैं चाह रही थी कि यही बिगड़े में, हालांकि ये और बड़ा हो जाता, बट चलो कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ पे एक और लगा है ब्रिंजल, तो वो भी हम आज हार्वेस्ट कर लेते हैं। ये देखो यहाँ नीचे की तरफ, अरे ये देखो ये अच्छा है, अभी ये बिल्कुल सॉफ्ट है, ये देखो दबाने से पता चल जाता है आपको कब फ्रूट को हार्वेस्ट करना है, स्पेशली ब्रिंजल को। ये देखो ये जब तक आप ये ऐसे दबा के सॉफ्ट होता रहेगा तब तक आप इसे लगे रहने दे सकते हो, जैसे ये हार्ड होने लगे तो आप इसको हार्वेस्ट कर लो। बाकी में बहुत प्यारा है, क्यूट सा, ये देखो। उसके बाद हम चलिए अपनी कैप्सिकम भी हार्वेस्ट करके लाते हैं, और यहाँ पे ये देखो कैप्सिकम ये इस तरीके से होने लग जाती है ब्लॉसम एंड रॉट, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से ही होती है, तो हैवी फीडर्स होती हैं जो मिर्च होती है ना, वो हैवी फीडर्स होती है, तो इसलिए आप टाइम टू टाइम इसमें ऑर्गेनिक अपना जो भी डालना है आपको वो डालते रहें। मेरे को प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास अभी कुछ बचा ही नहीं है, सिर्फ गोबर की खाद है, वो भी उपलो के रूप में, उनको वो करना, उनको तोड़ना थोड़ा मुश्किल रहता है, सूखे होते ना, इसलिए अभी और भी हैं, ये देखो इस तरफ, इनको थोड़े दिन में हार्वेस्ट करेंगे हम। ये भी बिल्कुल कोमल है, और मतलब इसकी जो बाहर के आउटर लेयर होती है ना जो हम यूज़ करते हैं कैप्सिकम की, वो बिल्कुल अभी सॉफ्ट है, पतली पतली है।
चलिए आज करेले भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे दो तीन करेले हमको लगे हुए दिख रहे हैं और काफ़ी सारे इसमें नए भी बन रहे हैं। देखो छोटे छोटे, ये दिख रहा होगा आपको ना, ये देखो कहाँ गया ये। सो ये देखो, ये छोटे छोटे करेले और भी बन रहे हैं इसमें काफ़ी सारे। तो अभी जो हमारे पहले लगे ना उनको हार्वेस्ट कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पर, ये देखो, तो अभी हम हार्वेस्ट करते रहेंगे तो फिर ये आगे और चलते रहेंगे। देखो तीन करेले निकले आज हमारे। चलिए इसको रखते हैं। आज तो काफ़ी सारी वेजिटेबल्स हो गई हमारे पास, थोड़ी थोड़ी मिक्स वेज बन सकती है इनकी, करेले को छोड़ के, या फिर हम इसकी वो बना सकते हैं तवा फ्राई। तो आज मैं अपनी एक स्वीट कॉर्न भी हार्वेस्ट करने वाली हूँ, वो भी अभी करते हैं। और क्योंकि नहीं तो फिर वो स्वीट कॉर्न को, स्वीट कॉर्न नहीं सॉरी बेबी कॉर्न, तो उसको जल्दी हार्वेस्ट करना होता, नहीं तो फिर वो हार्ड होने लगेगी तो फिर वो बेबी कॉर्न का कोई पर्पस नहीं रह जाएगा। तो यहाँ से हम चिली ले लेते हैं और तो मुझे इसमें नहीं दिख रही। नहीं, अब जैसे गर्मी बढ़ रही है ना तो इसमें फ्लावरिंग कम हो गई है चिलीज में। यहाँ पे कैप्सिकम थी छोटी सी, वो भी निकाल लेते हैं। ये देखो दो चिलीज मिली है, एक यहाँ पर लगी है, इसे हम निकाल लेंगे। एक यहाँ लगी है, ये राउंड होगी, देखो अब ये इसका फ्रूट का साइज ना छोटा होता जा रहा है गर्मियों की वजह से, जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है। और लगी है यहाँ पे ग्रीन पौधे में ग्रीन चिलीज आसानी से दिखती नहीं है, अनलेस अंटिल वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो। देखो कितनी ग्रीन है ये। और दूसरा ये होता है कि अगर जब वो रेड होने लग जाती है ना तो बहुत प्यारी लगती है, तब तो आप दूर से देख के पहचान लोगे छोटी सी चिली भी, क्योंकि ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है फिर। अभी इसमें लग रही है चिलीज ये। चलो आज हमारी वो भी हार्वेस्ट करते हैं हम। यहाँ पे एक ये लगी है बटरनट, ये देख रहे हो, ये पता नहीं मुझे भीला पॉलिनेशन के ही अपने आप ही बड़ी होती जा रही है। क्या करूँ, हार्वेस्ट कर लूँ क्या इसको? दूसरी कहूँगी, दूसरी भी तो थी हमारी यहाँ पे। हाँ ये देखो, ये देखो ये है ना, दिख रही है आपको? देखो नहीं, ऊपर से ऐसे सूख भी गई है, मगर फिर भी आज इसमें देखो मेल फ्लावर खिला है, ये देखो। पर आज इसमें कोई फीमेल फ्लावर है ही नहीं, ये अजीब सी हो रही है। और ये हमारी जुकीनी येलो कलर की, इसका भी फूल टूट गया, देखो आंधी आई काफ़ी सारी और इसमें फिर ये कल रात को भी काफ़ी आंधी आई है तो ये इसमें आंधी में झड़ गया। पता नहीं अभी मिल पाएंगे इसमें हमें कि नहीं, इसमें बहुत उम्मीद तो नहीं है मुझे उतनी उसमें, मगर चलिए कोई बात नहीं। यहाँ भी देखो चिलीज लग रही है, बट ये बहुत छोटी छोटी हैं अभी, अभी ये थोड़े दिन में अभी हार्वेस्ट के लिए हो जाएंगी तैयार। इसके बाद हम हाँ ये कॉर्न हार्वेस्ट करनी है हमको, ये देखो ये बेबी कॉर्न, इसको ये ऐसे हार्वेस्ट। नीचे तक क्या, वैसे देखने में छोटी लग रही थी लेकिन काफ़ी बड़ी हो गई है। तो यहाँ पे भी है एक, अरे ये तो वाकई में छोटी है, इसमें तो कुछ है ही नहीं ऐसा लग रहा है। इसको काफ़ी संभाल के तोड़ना पड़ेगा, नीचे तक है ये। होप मैं इसको प्रॉपर नीचे से तोड़ पाऊँ, जो इसका एज होता है जहाँ पे डंडी होती है इसकी। तो देखो दो स्वीट कॉर्न्स आज हमें मिली हैं,
मैं इसको आपको खोल के दिखाती हूँ अभी, जब पूरी हार्वेस्ट हो जाएगी ना मेरी, तभी इसमें और भी लगेंगी, मुझे पूरी उम्मीद है इसकी, क्योंकि 5 पौधे हैं इसमें और अभी हमें 2 में ही देखने को मिली है ये, और अभी बाकियों में अभी स्टार्ट नहीं हुई है। ये देखो, हाँ यहाँ पे है ना एक छोटी सी, है दिख रही है आपको, तो मैं इसको थोड़े दिन बाद हार्वेस्ट करेंगे। तो इसको बेबी कॉर्न को बोलते हैं कि इसको आपको हार्वेस्ट कर लेना है जब इसके ये ऊपर के जो सिल्क है ये जो है इसकी, ये गोल्डन ही रहनी चाहिए, बट आप देखो ये थोड़ी थोड़ी सी ऐसे ब्राउन ब्राउन सी टर्न होने लग गई थी, विच मीन्स कि मैं इसको हार्वेस्ट करने में लेट हूँ, ये सॉफ्ट होनी चाहिए अंदर से। तभी देखो होपफुली ये सही निकले। तो अभी मैं पहले अपनी पूरी हार्वेस्ट कर लेती हूँ, फिर हम इसको खोल के देखेंगे। कुछ मेरे पास पालक की पत्तियाँ हैं यहाँ पर, वो हार्वेस्ट कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पे काफ़ी सारे सीड्स तैयार हो गए, दिख रहा है आपको, तो ये देखो लीव्स। और यहाँ पे भी अब हमारी बेलें बढ़ने लगी हैं, भिंडी भी हमारी छोटी छोटी लग रही है, और मीली बग्स भी अभी तक हमारे गार्डन में बनी हुई हैं। तो साथ के साथ हटाते रहें, यही बेस्ट ऑप्शन है अभी इनके लिए। नीम ऑयल उतना वर्क नहीं करता जब प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ जाती हैं, उसको प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पे हमें यूज़ करना चाहिए, मतलब कहते हैं ना प्रोटेक्शन इज़ बेटर देन क्योर, तो वो प्रोटेक्शन वाला काम होता है नीम ऑयल का, जो कि स्टेज निकल चुकी है यहाँ पे, बट फिर भी चलिए मैं कोशिश में लगी हूँ। ये बैंगन काफ़ी बड़ा हो गया पौधा, और इधर भी काफ़ी सारी मिर्चें हमारी लग रही हैं, बट अभी छोटी छोटी हैं, हार्वेस्ट के लायक नहीं हुई। एक मेरे यहाँ पर लग रहे हैं कुछ पालक के पत्ते, जो कि है हमारी मॉर्निंग ग्लोरी। इसमें देखो कितनी सारी बर्ड है यहाँ पे अभी, और धूप तेज़ है। ये तो पालक के सीड्स कहीं कहीं रह जाते हैं ना, तो वो अपने आप ही फिर टाइम टू टाइम चलते रहते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा पानी जो है ना, वो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जा रहा है। 4-5 पौधे थे, मैंने एक को ही हटाया था बस, बाकी तो अभी भी इसमें ही लगे हुए हैं। इसके बाद यहाँ पे भी है कुछ पालक हमारी, देखो इसके नीचे हमने थोड़े दिन पहले भी हार्वेस्ट की थी ना, याद होगा, अगर आपको नहीं देखा होगा अपनी वीडियो तो ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे हमारी कुछ ये भी लगी हैं, देखो राई की लीव्स लग रही है, ये खुद से ही निकल आई थी, और इसको भी हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। फिर एक ग्रीन वेजी हो जाएगी साथ में हमारी, अभी वो भी है ग्रीन एमरंथ। चलिए ग्रीन एमरंथ करते हैं हार्वेस्ट। ये देखो हमने आपके सामने पिछली हार्वेस्ट की थी ना, तो अभी ये फिर से काफ़ी सारी बड़ी होगी लीव्स, देखो ये ग्रीन एमरेंथ जो है ये हम दूसरी बार हार्वेस्ट कर रहे हैं, और ऊपर ऊपर से हमने इसको पहले हार्वेस्ट किया था, तो इसकी अब नई शूट्स निकल आई, तो ये देखो कितनी अच्छी है ये, और यहाँ पे पार्सले भी लगी है। तो सर्दियों में ये पार्सले नहीं अच्छा चल पाया था, लेकिन जैसे ही सीज़न चेंज हुआ तो इसने काफ़ी अच्छी बढ़त ली और ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी कर रही है अब। तो बार बार हार्वेस्टिंग भी करते रहें आप अपने गार्डन में, अगर आपको भी कुछ थोड़ी बहुत जो भी वेजेस मिलती हैं, वेट ना करें कि ये बड़ी होगी ज़्यादा या फिर ज़्यादा हो जाएंगी एक बार क्वांटिटी में तो फिर आप हार्वेस्ट करेंगे, तो उससे क्या होता है कि एक तो आपके फ्रूट की क्वालिटी पे इफ़ेक्ट पड़ता है, और उस मतलब कि जब आपको हार्वेस्ट करना चाहिए अगर आप तब नहीं करेंगे तो उसकी क्वालिटी, उसका टेक्सचर, उसका टेस्ट सब कुछ चेंज हो जाता है। तो आप वो ध्यान में रखें, हार्वेस्ट करते रहें चीज़ों को, और उससे क्या होता है कि एक तो वो चीज़ें, जैसे ये ग्रीन वेजी है तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे इकट्ठी नहीं होएगी, बहुत ज़्यादा क्राउड ही नहीं होगा, तो पेस्ट को भी फिर मौका नहीं मिलता वहाँ पे छुपने का, तो आप उस तरीके से एनवायरनमेंट उनके लिए क्रिएट ना करें ताकि वो छुप सके,
ठीक है। तो चलिए ये फिर इस तरीके से ये देखो इसे हम रख के आते हैं और फिर हम पार्सली हार्वेस्ट करेंगे। ये देखो इसको आप सूप में यूज कर सकते हो, पिज्जा में, तो जितनी जरूरत हो, मतलब ये हर्ब्स तो हमें उतनी तोड़नी चाहिए जितनी ज़रूरत हो। तो ये मैंने ले ली है, अब हम तोड़ लेंगे मिंट जो कि काफ़ी सारा हो रहा है। देखो यहाँ से 3-4 बार ऑलरेडी हार्वेस्ट कर चुकी हूँ, मैंने आपको दिखाया था। देखो फिर से काफ़ी बड़ी हो गई है इसकी लीव्स और हम फिर से इसकी एजेस तोड़ लेंगे। यहाँ रेड एम्बरेंथ हुई है, देखो इसको भी हम तोड़ लेंगे, इसको और ग्रीन वाली को हम मिक्स करके बना लेंगे फिर कुछ वेज। सूखी सब्जी बन सो आप यह कर सकते हो फ्रेंड्स, एक ऑप्शन ये हो सकता है कि आप ग्रीन रोटी बना सकते हो। आपको बस क्या करना है, आपको अपने किचन गार्डन से हर्ब्स लेनी है, जैसे कि मिंट हो गया, और अगर स्पिनिच है स्पिनिच ले लीजिए। हाँ स्पिनिच हर्ब नहीं है बट स्टिल स्पिनिच आप ले सकते हो, और कैरम जो हमने दिखाई है, जो अजवाइन जैसे पत्ते होते हैं जिनकी खुशबू, अजवाइन जैसी खुशबू होती है जिसकी, वो ले सकते हो आप। और इस तरीके से 4-5 हर्ब्स आप मिक्स करके बेसिल ले सकते हो, इनको मिक्सी में आप ग्राइंड कर लीजिए और इसका पेस्ट बना के आप अपने आटे के साथ गूंद लो। तो आटे के साथ गूंदोगे तो आपके आटे का जो कलर है वो भी ग्रीन हो जाएगा उसके साथ साथ आप, और फिर उसकी आप ग्रीन रोटी बना सकते हो जो कि हेल्दी तो रहेगी, न्यूट्रिशियस भी रहेगी साथ में और टेस्टी भी होती है। और बच्चे कई बार आनाकानी करते हैं ना ऐसे ग्रीन हर्ब्स खाने में, तो उनको आप इस तरीके से न्यूट्रिशन ऐड करके दे सकते हो। ग्रीन रोटी बना सकते हो आप, बीट रूट के साथ आप पिंक रोटी बना सकते हो, तो इस तरीके से बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आप। तो ये है कोई काफ़ी सारी मिंट हो गई आज हमारी। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से शेयर करूंगी कि आप बिना ग्रीन नेट के किस तरीके से अपने पौधे मैनेज कर सकते हैं, और अगर ग्रीन नेट नहीं है तो उसके क्या विकल्प हो सकते हैं, उसके क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। तो आप बने रहिएगा चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। तो ये देखिए ये काफ़ी सारा मिंट आज हो गया हमारे पास। तो फ्रेंड्स ये है हमारी आज की हार्वेस्ट, जिसमें सबसे पहले हमने बीन्स हार्वेस्ट की, देन हमने करेले हार्वेस्ट किए, हमने बैंगन हार्वेस्ट किए, यहाँ पे हमारे पास है कैप्सिकम्स, ग्रीन चिलीज, हमारे पास है बेबी कॉर्न्स, फिर हमारे पास है मिंट, उसके बाद हमने ग्रीन एमरंथ हार्वेस्ट की है, हमने साथ में स्पिनिच हार्वेस्ट किया और कुछ राई के लीव्स भी हमने यहाँ पर हार्वेस्ट किए हैं, एंड डू नॉट फॉरगेट दिस ग्रीन चिली और पार्सले। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा हार्वेस्टिंग का, और जल्दी ही आप लोगों से नए वीडियो में मिलने वाली हूँ मैं। तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे ब्लेस्ड कीप गार्डनिंग। चलिए इस बेबी कॉर्न को खोल के देखते हैं। ये लीव्स काफ़ी सारे हैं इसके, ये सब कंपोस्ट बन जाएगी अगर आप इस तरीके से कुछ लगाते हैं अपने गार्डन में, और अगर आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलते कि जो आपको चाहिए, बट स्टिल आप उसमें, अरे मैंने तोड़ दी एक्चुअली हार्वेस्ट करते हुए ना, मुझे आइडिया नहीं हुआ, मैंने फर्स्ट टाइम लगाई थी ना, तो ये देखो आपको दिख रहा होगा अब, तो मुझे आइडिया नहीं हुआ कि इसको कितने गहराई से तोड़ना है, तो मैंने इसको पहले ही तोड़ने के चक्कर में इसको ऊपर से तोड़ लिया। और ये देखो इसके कितनी प्यारी सिल्क है इसके अंदर की, आई होप मैं आपको दिखा पा रही होंगी, और ये अच्छी है, ये सॉफ्ट है अभी भी और हम इसको काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हालांकि मैं और देर करती तो इसके ये जो इसमें दाने होते हैं वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं कर्नल्स इसके, लेकिन
अच्छा है कि हमने इसको टाइमली हार्वेस्ट कर लिया। देखो दूसरी भी आई होप कि ऐसी अच्छी निकलेगी, तो हम इसको सैलेड वगैरह में टॉस कर सकते हैं, और अगर पिज़्ज़ा बनाना है तो उसमें भी हम इसको टॉस करके यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा वीडियो फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, कीप गार्डनिंग।